चुड़िया के अरदास मारी जो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वडे आई कोई नाम न जाने मेरा आदिन काजी चिमर के गुरु नानक ले किया है फिरंगते गुरु मदास रामदास हो अर्जन हर गोविंद सिमरों श्री आए श्री आचरण ते आइए जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब छाई होना सहाय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए तन तन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन्हें धर्म का मार्ग दिया बताए तन तन सतगुरु संगता जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए तन तन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो याद छदाए तन तन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरणी याद गाए तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे तन तन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए साहे निमाण्या दे मान सतगुरु नेताण्या दे तान सतगुरु नियो ज्ञान दियो चुनिया चुनियों के आसरा निल ज्ञान दी लज निपत्यां दी पत गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चल कमलचा दास बेनती जोड़ियां कर रही कीता लूड़िए कम सोहर प्या किए कारे जे सुहा सतगुर सचता किए संतान संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैके आप बेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप क्या संगतां दे हिरदे च वरसावे बख्शे ते रामता करनिया पातशाह आपणिया संगतां नूं आप उदम उच्चा बख्श के आपणे दस दरबार दी हाजरियां बख्शनिया पातशाह बख्शे च ना विछड़ी ना विछाणी ना भुली ते ना भुलावी जनां दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागरण बख्शना इशनान का दान बख्शना दोनों कदम चने बख्शना स्वास स्वास भजन करने की ताकत बख्शनी आपने सूह साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शियाँ बख्शे ते रहमत करनिया सर्वत संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुरतिया ही बख्शिश करनी आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली उचित हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी दस दिन सुखदा बताना सही सजन मेरे जिन्ना मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता हो श्री गुरु नानक नाम चल जी कला तेरे पानी सरबत का पला। जिन्ने तुझनो तन कहा
तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया अभिमान जे आया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम ने आया तारे अजहां लिया अभिमान जिन्ने दर पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन आया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया भी जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ न तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तारे अजहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ ना दर्शन पाया जिन्ने तुदनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया मन साचा मुख साचा सोए साचा नाम जी निरपौ ते निर्वैर सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग होए साहेब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां नूं इकट्ठा कर रखिया है समाल नाम जप दे नाम जपा एह इनां दा कारोबा तन तन श्री गुरु नानक जावा चरणा
बल्लेहार तन तन छेवे पाशद जा चरणा तो तन तन साहिब संत माता जी आप जी दे चरणा तो बल्लेहार तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट दंडोत बंधन अनेक बार सरब कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ सो कहो टल गुर सेविए एह निस सह सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दु जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुर माया ताए दो बोलो हटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए इको ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह सा सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह जी साखी सरदार आत्मा सिंह दे दुख निवृत्त करन दी श्री सतगुरु भगवान दास जी गर्मिया दे मौसम विच कुमरी पहाड़ ते जाया करदे सन। एक वारी श्री सतगुरु जी ने ठाकर हरबंस सिंह दी बेनती प्रवान करके उना नाल कुमरी जाण दा प्रोग्राम बनाया। इसे अनुसार ठाकर हरबंस सिंह दूजे दिन अपनी मोटर विच साहिबां नू नाल लैके कुमरी जाण लई तुरे। राह विच रावल पिंडी तो अगे सरदार आत्मा सिंह ने अपनी मोटर विचों साहिबां नू अगली मोटर विच वेखदिया होया अपनी सुपत्नी लीलावंती नू कहा, मैनू इंज लगता है कि उस अगली मोटर विच श्री सतगुरु भगवान दास जी जा रहे हैं। सरदार जी ने कहा, मोटर नू जरा तेज करवा के इस गल दी पक्की कर लो कि साहिब जी भी उस वे जा रहे हैं। आत्मा सिंह ने उवें ही कीता। जद मोटर छरे पानी कोल पुजी
जिथे सारे मोटरां वाले ठहर के अपनियां मोटरां विच पानी पांदे सन। सरदारनी लीलावंती ने वेख्या कि अगली मोटर विचों श्री सतगुरु भगवान दास जी उतर रहे हैं। तां वो अपनी मोटर विचों उतर के साहिबां पास पुची अते उना दे चरणा ते जा मत्था टेकिया। श्री सतगुरु जी ने पुछया, सरदार जी ठीक हैं? सरदार जी ने दो हाथ जोड़ के बेनती की, सचे पातशाह जीओ, उन्हां नूं कई दिनों तो बुखार आ रहा है, बहुत इलाज करवाया है पर आराम नहीं आया। डॉक्टर ने सलाह दित्ती है कि इन्हां नूं पहाड़ ते ले जाओ, पहाड़ ते ले जाओ, आराम आ जाएगा। वो उस मोटर विच बैठे हैं, कह के सरदारनी लीलावंती ने अपनी मोटर वल इशारा किया। जदों आत्मा सिंह ने भी श्री सतगुरु जी नूं वेख लिया सी, दूरों आत्मा सिंह ने भी श्री सतगुरु जी नूं वेख लिया सी, उसने ड्राइवर नूं कहा उत्थे मोटर ले चलो जिथे साहिब जी खड़े हैं। मोटर दे पास आके खड़े होने ते आत्मा सिंह उसचों उतरिया अते साहिबां दे चरणा ते मत्था टेक के बेनती कीती, साहिब जीओ कृपा दृष्टि करके मेरा दुख दूर करो जी, मेरा दुख दूर करो जी। सरदार जी दी बेनती सुन के श्री सतगुरु जी ने सरदारनी लीलावंती नूं हुक्म कीता, जाओ छरे तो जल दा गड़वा भर के ले आओ, जाओ छरे तो जल दा गड़वा भर के ले आओ। साहिबां दे हुक्म अनुसार सरदार ने जल दा गड़वा ले आई। तां साहिबां ने हुक्म कीता सरदार जी नूं पंज इशनाना करा दिओ, पंज इशनान। सरदार जी ने हाथ पैर ते मुंह धोते। साहिबा ने फरमाया हुण बाकी जल छक लो, बाकी जल छक लो। सरदार जी ने जल छकिया तो उसके मन नूं शांति मिली, शांति। अते उसनूं इवें जापिया जिवें उसका रोग कटिया गया है अते शरीर ठीक हो गया है। उसनूं इवें जापिया जिवें उसका रोग कटिया गया है अते शरीर ठीक हो गया है। ठाकर हरबंस सिंह ने साहिबां दे चरणा विच बेनती की, साहिब जीओ मोटर विच विराजो जी ताके वक्त नाल कुमारी पुज जाइए। आत्मा सिंह ने भी साहिबां नूं हाथ जोड़ के बेनती की, हजूर जीओ दास दी मोटर नूं अपने चरणा नाल पवित्र करन दी बख्शिश करो, क्योंकि बहुत चिरां बाद आप जी दे दर्शन होए हैं। श्री सतगुरु जी आत्मा सिंह दी मोटर विच बैठ गए ते वचन कीता, सरदार जी बुखार नूं इत्थे ही छड़ दिओ,
अगे नाल ना खड़ो, अगे नाल ना खड़ो। साहिब जी का हुक्म सुन के सरदार जी ने बेनती की, साहिब जी हो आप मालक हो, जो चाहो कर सकन दी समर्था रखते हो। आप जी ता संसार दे मालक हो, मेरे वश की है, तुहाडी कृपा दी लोड़ है, तुहाडी कृपा दी लोड़ है। उसनों जापिया जिवें साहिबां दे फुरमांदिया ही बुखार पिछे ही रह गया, पिछे ही रह गया है। कुमारी पूजे ता आत्मा सिंह ते सरदार ने अपने टिकाने चले गए। कुछ देर आराम करन तो बाद थर्मामीटर लेके जदों वेख्या ता बुखार नहीं सी, परमवश फिर दोबारा वेख्या ता भी नहीं सी। दूजे दिन सवेरे उठ के जदों थर्मामीटर लाके फिर वेख्या ता भी बुखार बिल्कुल नहीं सी। आप जी दी सदा ही जय। दूजे दिन सवेरे उठ के जदों थर्मामीटर ला के फिर वेख्या तां भी बुखार बिल्कुल नहीं सी। ए वेख के सरदारनी ने कहा ए बख्शिश श्री सतगुरु जी दी होई है, ए बख्शिश श्री सतगुरु जी दी होई है। अगले दिन सवेरे दोवे ठाकर हरबन सिंह दी कोठी पहुंचे जिथे श्री सतगुरु भगवान दास जी ठहरे हुए सन। जाके चरणा ते मथा टेकया अते मुस्करा के ते दोवां ने हाथ जोड़ के बेनती की, सचे पातशाह जीओ आप जी ने अपार बख्शिश की है, बुखार सचमुच ही पहाड़ ते नहीं आया, असी आप जी दे धनवादी हाँ, असी आप जी दे धनवादी हाँ। श्री सतगुरु जी ने सरदारनी नूं पुछया तुसी इक तारा तां इत्थे नहीं लियाए होने, जे नाल होंदा तां कीर्तन दा रस माण दे जी। हुणे ड्राइवर नूं रावल पिंडी भेज के एक तारा मंगवा लेंदी हां, अते शाम दे कीर्तन दी सेवा असी दोवें जीव करांगे। सरदारनी लीलावंती ने बेनती की, श्री सतगुरु जी ने कहा ठीक है शाम नूं ही सही। कुछ देर बचन विलास सुनन तो बाद अपने निवास स्थान ते पुज के सरदारनी ने अपने ड्राइवर नू रावल पिंडी भेजिया अते उसनू पक्की कीती कि ओ एक तारा लेके शाम तक हर हालत विच कुमारी वापस पुज जाए ताकि ओ शाम दे कीर्तन विच सेवा कर सकन। ड्राइवर एक तारा ले आया अते उन्होंने इस शब्द दा कीर्तन कीता। दर्शन देखत दोख नसे, दर्शन देखत दोख नसे, कबहु न होवो दृष्ट अगोचर,
कब न हो दृष्ट अगोचर जी के संग बसे दर्शन देखत दुख नसे प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे दर्शन देखत दुख नसे। सरदार ने लीलावंती ने शब्द पढ़ के अपने मन दा भाव श्रद्धा ते प्रेम दर्शाया ता श्री सतगुरु जी ने हुक्म कीता एक होर शब्द दा कीर्तन करो ता सरदार ने ए शब्द पढ़िया तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते जिसे जनाओ तिन्हे तुम जाते सदा सदा जाई बलहारी इत उत देखूं ओट तुम्हारी मोह निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता तू बेअंत को विरला जाने गुर पर साध को शब्द पछाने कीर्तन तो उपरंत सतगुरां तो आग्या ले के सरदार अते सरदार ने अपने ठिकाने गए जितने दिन उथे रहे
श्री सतगुरु जी दे पास आके कीर्तन करते रहे अते सतगुरु जी तो खुशियां प्राप्त करते रहे अते सतगुरु जी तो खुशियां प्राप्त करते रहे। गज के आखो धन धन सतगुरु भगवान दास एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी माई देवकी दे पोतरे नू देह अरोगता बख्शन दी। माई देवकी पिंड बामखेल जिला मरदान दी रहण वाली सी। एक वारी उस दे पुत्र गोविंद राम दा लड़का बीमार हो गया। उन्होंने बड़ा इलाज करवाया पर उसकी सेहत विच कोई मोड़ा नहीं सी पे आ रहा। जिस डॉक्टर दी भी कोई दस पांदा वो उसदे को ले जांदे पर मरज वद्दी ही गई। उसनों बुखार खांसी ते सिर दर्द ने दुखी कर रखिया सी। बुखार खांसी ते सिर दर्द ने दुखी कर रखिया सी। इस तरह कितने ही दिन लंघे पर विच घर विच सारे ही बड़े परेशान सन। घर विच की कीता जाए कि किथे लेके जाइए उन्होंने समझ नहीं सी आ रही। हार के एक दिन माई देवकी बड़े ही उदास मन नाल अपनी नूह ते पोतरे नू लेके श्री सतगुरु भगवान दास जी दे द्वारे ते कैमलपुर गई। जांदिया ही सतगुरां अगे मत्था टेक के रोंदिया उन्हां दे चरण पकड़ के बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ मेरे पोतरे नू देह अरुगता बख्शन दी किरपालता करो जी, साडे सारे हीले असफल गए हन, हुण एक तुहाडा ही आसरा है। सतगुरु जी बख्शिश करो ते बिरद दी लाज रखो जी। माई देवकी दी बेनती सुन के सतगुरां ने फरमाया धीरज रखो। ज्वाला राम सिंह नाल सलाह करके डॉक्टर रवेल सिंह नू बुला लेंदे हां, वो दवाई देवेगा, फिकर ना करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। साहिबा ने उसे वेले सरदार ज्वाला राम सिंह नाल सलाह करके भगत रामदास मनेरी वाले नू हुक्म कीता कि वह जाके डॉक्टर रवेल सिंह नू बुला लियावे। सतगुरां दे हुक्म अनुसार रामदास डॉक्टर रवेल सिंह नू बुलाउण तां चला गया। देवकी विरलाप करे कि सच्चे पातशाह जीओ असां कई डॉक्टरां कोलों बच्चे दा इलाज करवाया है, कई डॉक्टरां कोलों, पर उसनू कोई फर्क नहीं पिया। हुण सानू होर डॉक्टरां दे पल्ले ना पाओ जी, तुसी आप ही कृपा दृष्टि करो अते बच्चे नू देह अरोगता बख्शो जी। इतने विच डॉक्टर रवेल सिंह भी आ गया।
अंदर वड़दिया वड़दिया उसने भी ये गल्लां सुन लिया जो सानू डाक्टरां दे पल्ले ना पाओ सुन लिया। तुसी आप सब डाक्टरां दे डाक्टर हो, डाक्टरां दे डाक्टर हो, ते मेरे पोतरे नू जीवन दान दियो जी। डॉक्टर रवेल सिंह ने देवकी दे पोतरे नू चंगी तरह वेख्या ते बेनती की, पातशाह जी ए माई ठीक आखदी है, ए माई ठीक आखदी है, इस दे पोतरे दी बीमारी एहो जी है जिसनू आप जी ही ठीक कर सकते हो। सतगुरां ने डॉक्टर नूं हुक्म कीता तुसी दवाई दे दिओ। श्री सतगुरु संगता जी आप बख्शिश करनगे। डॉक्टर रामदास नूं दुकान ते नाल ले गया अते उस दे हाथ दवाई भेज दित्ती जिस दी एक खुराक उसे वेले ही बच्चे नूं पिला दित्ती गई। सतगुरु जी मेरां दे घर विच आए अते माई देवकी उस दी नूं अते पोतरे नूं बाबे डेरे जाण लई कहा। बाबे डेरे फिर आप जी भी उठ के बाबे डेरे आ पहुंचे। श्री सतगुरु संगता साहिब जी दे पलंग साहिब जिसनू साख्यात उन्हां दा प्रतक स्वरूप सारी संगत स्वीकार करदी है दे सामने दोनों हाथ जोड़ के दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। पढ़ के सतगुरां आप अरदास कीती। आप उपरंत माई देवकी अते उस दी नूं नूं नाम सिमरन दा हुक्म दे के, नाम सिमरन दा हुक्म दे के सतगुरां ने उन्हां नूं घर जाण लई कहा अते नाल ही हिदायत कीती कि डाक्टरी दवाई दे नाल नाल असी तुहानू एक होर दवाई भी दसदे हाँ उसका सेवन भी कराणा बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दवाई ये दसी कि जवैन ग्लो फला दे पत्तर लून ते पिपली नू कोट के कोसा करके हल्का गरम करके हर रोज शाम नू पिलांदे रहना। जवैन ग्लो फला दे पत्तर लून ते पिपली नू कोट के कोसा करके हर रोज शाम नू पिलांदे रहना। इस विच कोई शक नहीं कि दवाई ता एक बहाना सी, बहाना सी, असल वे सतगुरां दे बचन ही उस लई औषधि सन, सतगुरां दे बचन ही उस लई दवाई सन। घर जाके माई देवकी हर रोज सवेरे अरदास करके सिमरन कर दी, सिमरन कर दी अते उस तो बाद बच्चे नू दवाई देंदी रही, सिमरन कर दी ते उस तो बाद बच्चे नू दवाई देंदी रही। हौली हौली बच्चे दी सेहत
ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੋੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਆਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾਓ। ਸਮਰਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ, ਆਪੇ ਕਰਣੇ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ। ਇਕੋਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ,
सचे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु संगता साहेब सचे पातशाह जी। साखी गोविंद राम नू सजा तो बचाउण दी गुरु घर की सेविका माई देवकी का पुत्र गोविंद राम समा पाए के पिंड बाम खेल तो होती वरदान रहने लिए आ गया अते उसने शंकर बाजार में एक दुकान किराए ते लैके किरियाने का व्यापार शुरू कर दिता। श्री सतगुरु भगवान दास जी बरकतां दे मालक ने बरकत पाई ते उन्हां दी अपार किरपा नाल व्यापार चंगा चलन लग पिया। उस समय कई चीज़ां ते कंट्रोल सी अते ओ चीज़ां सरकार दे निश्चित कीते पाओ ते वेचणियां पैंदियां सन। एक दिन इसने एक बंदे नूं साबुण दिता ते सरकारी भाव नालों उस तो एक पैसा वद ले लिया। उस ग्राहक ने पुलिस थाने जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई कि गोविंद राम ने सरकारी रेट नालों मेरे तो एक पैसा वद लिता है। पुलिस आएकर गोविंद राम नू पकड़ कर थाने ले गई ते दूजे दिन मजिस्ट्रेट ने पेशी ते पेश होने लई तरीक दे दिती। ता माई देवकी ने कैमलपुर साहिबां दे द्वारे ते जाकर बेनती कीती कि साहिब जी मेरे पुत्र गोविंद राम ने साबण खरीदण वाले एक बंदे तो कंट्रोल पाओ नालों एक पैसा ज़्यादा ले लिया है जिस करके थाने विच उसकी शिकायत हो गई। गोविंद राम जमानत ते तां आ गया है परंतु कल उसने कचहरी विच मैजिस्ट्रेट दे सामने पेश होना है। सचे पातशाह जीओ ज्यों जानदे हो उसकी रक्षा करो जी, उसकी रक्षा करो जी। ता सतगुरां वचन कीता सतगुरु संगता जी भली करनगे, सतगुरु संगता जी भली करनगे। दूजे दिन जब सतगुरु जी अपने पलंग ते विराजमान सन तो माई देवकी ने आकर फिर तो अरदास कीती जो आज गोविंद राम ने हाकम अगे पेश होना है, आप जी कृपा करो ते उसकी रक्षा करो जी। उस समय साहिबां दे हजूर शहर दे कुछ गुरसिख ते कुछ बाहरों आई संगत भी बैठी हुई सी। उस समय श्री सतगुरु जी पंचम पातशाह दे उच्चारण कीते हुए इस शब्द की व्याख्या करके संगत नू उपदेश दे रहे सन। मलार महला पंजवा। गुर शरणाई सगल निधान साची दरगह पाइए मान, भ्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा साला नाम निधान जपो दिन राती
मन चिंदे फल पाए, सतगुरु जेवड अवर न कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दुख तेरा के, माया बिक फिर बोड़ न चाखे, गुर की महिमा कथन न जाए, गुर परमेश्वर साच नाए, सच संजम करणी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाइए वड पाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। गज के आखो तन तन सतगुरु भगवान दास आए, सतगुरां दसिया इस शब्द द्वारा सतगुरु अर्जन देव जी उपदेश दे रहे हैं। हे भाई, गुरु दी शरण पिया सारे खजाने मिल जाते हैं, अते सदा कायम रहने वाली दरगाह विच आदर मिलता है। गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगह पाईए मान। हे भाई, गुरु दी संगत विच रह के सदा परमात्मा दे गुण गाया कर, परमात्मा दे गुण गान करके सब परम डर दुख आदक दूर हो जांदे हन। हे मेरे मन, पूरे गुर दी सिफत सलाह करया कर, अते गुरु दी शरण पै के दिन रात परमात्मा दा नाम जपया कर, यही सारे सुखां दा खजाना है। जेड़ा मनुख नाम जपदा है ओ मन मंगे फल प्राप्त कर लेंदा है। हे भाई, सतगुर जेवड होर कोई नहीं, ओ पार ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु जम्मन मरण दे दुखां दे गेड़ तो बचांदा है। जेड़ा मनुख गुरु दी शरण पैंदा है ओ आत्मिक मौत लियाउण वाली माया दे जहर नू मुड़ मुड़ स्वाद ला ला के नहीं चखदा। हे भाई, गुरु दी वड्याई बयान नहीं कीती जा सकती। गुरु परमेश्वर दा रूप है, गुरु परमेश्वर दा रूप है। गुरु सदा कायम रहने वाले नाम विच लीन रहंदा है। परमात्मा दा नाम सिमरदे रहना ही गुरु दा संजम है, अते परमात्मा दी सिफत सलाह करदे रहना ही गुरु दी करनी है। जेड़ा मन गुरु दी संगत विच मस्त रहंदा है वो पवित्र हो जांदा है। हे भाई, पूरा गुरु वड्डी किस्मत नाल मिलदा है, वड्डी किस्मत नाल मिलदा है। जिसनू मिलदा है वो अपने मन विच्चों काम क्रोध लोभ आदक दूर करके गुरु दी शरण प्या रहिंदा है, अते जोदड़ी करदा है कि हे प्रभु मेहर करके मैनू गुरु दे चरणा विच टिकाई रख, टिकाई रख, ते अपना सदा थिर नाम बकश। गुर पूरा पाइए वडपाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। जब सतगुरु जी
संगतां नूं उपदेश दे चुके तां माई देवकी ने फिर तो बेनती कीती, सचे पातशाह जी अज इस वेले गोबिंद राम दी अदालत विच पेशी है, उसनों सजा तो बचाओ जी। सतगुरां अंतर ध्यान होके तकिया, जो गोबिंद राम अदालत पहुंच चुका है। गोबिंद राम ने वकील नूं कहा, जो साबण एक सेर तो वध सी, इसलिए वादू साबण दा मैं एक पैसा वध लिया है। इधर कैमलपुर विच साहिबां अपनी सुपुत्री माता राम कौर जी अपनी सुपुत्री तो माचिस मंगवाई अते कोल पए हुए एक कागज दे छोटे छोटे टुकड़े करके अग ला दिती, ते वो टुकड़े भस्म हो गए। उधर जद गोविंद राम मर्दान अदालत विच पेश होया तां हाकम ने पुछया, तुद ने ए साबण इस बंदे नूं वेचिया सी? उसने कहा हां जी। फिर पुछया, तू इस तो इतने पैसे लए हन? ता उस फिर क्या, हां जी। हाकम ने फिर क्या, तुद ने सरकारी भाव नालों इस तो एक पैसा वध लिया है? ता गोविंद राम ने आख्या, साबण एक सेर तो वध सी, इसलिए मैंने उस तो एक पैसा वध लिया है। हाकम ने तराजू ते वजन करन लई बाट मंगवाए, जद वजन कीता ता साबण दा वजन सेर नालों वध सी। ता सरकारी वकील ने कहा, दूजे पलड़े विच पाके वजन कीता जावे। ता हाकम ने दूजे पलड़े विच साबण रख्या। इधर कैमलपुर विच साहिबां माचस दूजे हाथ विच रख ले। जद हाकम वजन करन लग्या ता दूजे पलड़े विच भी साबण एक सेर नालों वध निकलिया। ए देख दिया हाकम ने पुलिस नूं ताड़ना कीती ते कहा, जो तुसां अदालत दा वक्त ही बर्बाद कीता है अते एक शरीफ आदमी नूं भी तंग कीता है। फिर गोविंद राम नूं निर्दोष समझ के छड़ दिता। गोविंद राम नूं निर्दोष समझ के छड़ दिता। उधर कैमलपुर वे सतगुरां ने देवकी नूं कहा, हुण तू घर जा, तेरा पुत्र बरी हो गया है। उधर कैमलपुर वे सतगुरां ने देवकी नूं कहा, हुण तू घर जा, तेरा पुत्र बरी हो गया है। अते उसनों उपदेश दिता कि सारे सिमरन करया करो, सुची किरत करके ही खाना ठीक होंदा है। एहो जे कमाई सुख नहीं देंदी। जद देवकी घर पहुंची, गोविंद राम पहला ही घर पहुंच चुका सी। ता गोविंद राम ने उसनों अपने छुटन दा सारा वृतांत सुनाया ता उसनों समझ आई, जो सतगुरु जी माचस कदी एक हाथ विच अते कदी दूजे हाथ विच क्यों रख दे रहे हैं।
उसने पुत्र नूं दस्या जो ए तां मेरे सच्चे पातशाह ने तेरी रक्षा कीती है ते उपदेश दित्ता ने जो अगों लई इहो जिहा काम नहीं करना। ऐसी कमाई दुखदाई होंदी है अते सिमरन कीता करो। अगली पूर्णमाशी नूं मां पुत्र दोवें सतगुरां दे द्वारे ते कैमलपुर साहिबां दे दर्शन करन लई पहुंचे ता अगे कुछ होर संगत भी बैठी हुई सी ता ए बेसबरे होकर आखण लगे तू पूरा सतगुरु है, तू पूरा सतगुरु है, तू पूरा सतगुरु है, तू पूरा सतगुरु है, तुझने ही साड़ी रक्षा कीती है, नहीं ता पता नहीं साड़ा की हाल होंदा। ए सुन के संगतां विचों एक सेवक दे पुछण ते उना सारा हाल दस्या ता संगतां ने कहा तन हन गुरु ते तन हन गुरु दे सिख। ता माई देवकी ने ए शब्द पढ़ के अपने मन दा भाव प्रगटाया। पैरो महला पंजवा सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिस की सेव रहाओ जांका किया सब किच होए तिसका अमर न मेटे कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप जांके अंतर बसे हर नाम जो जो पेखे सो ब्रह्म ज्ञान बीस बिसुए जाके मन पर गास तिस जन के पार ब्रह्म का निवास तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाऊं बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए पीवा गुर नानक जप जप सद जीवा। जद माई देवकी ने शब्द पढ़िया ता एक गुरसिख ने साहिबा नूं बेनती कीती सच्चे पातशाह जी इस शब्द दा पाओ अर्थ संगतां नूं समझाओ जी। ता सतगुरां ने बेनती प्रवान करके समझाया पंचम पातशाह जी दस रहे हन हे भाई प्यारे गुरु ने जिस मनुख दी बेनती सुन ली उसका हर एक कम मुकम्मल तौर ते सिरे चढ़ जाता है। प्यारे गुरु ने जिस मनुख दी बेनती सुन ली उसका हर एक कम मुकम्मल तौर ते सिरे चढ़ जाता है। सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला ओ मनुख अपने मन विच परमात्मा दा ध्यान तरदा है अते पूरा गुरु उसका सारे दा सारा डर दूर कर देंदा है। हे भाई गुरु सबना नालों वड्डी ताकत वाला है। मैं उस गुरु दी सेवा विच
रह के ही सारे सुख प्राप्त कर रहा हां। हे भाई, जगत विच जिस परमात्मा दा कीता होया ही सारा काम हो रहा है, उसका हुक्म कोई भी मोड़ नहीं सकता। ओ प्रभु, परमेश्वर ऐसा है जो उस वर्गा होर कोई भी नहीं, होर कोई भी नहीं। उस दे स्वरूप दा दीदार सारे मनोरथ पूरे करता है। अते सच्चा गुरु उसका ही रूप है, उसका ही रूप है। हे भाई, गुरु दी राही जिस मनुख दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम आ वसदा है, ओ मनुख जगत विच जो कुछ भी वेखदा है, ओ वेख्या पधारत उसदी परमात्मा नाल डूंगी सांझ बनांदा है। अते गुरु दी राही जिस मनुख दे मन विच आत्मिक जीवन दा पूरा चानण हो जांदा है, ता उसदे अंदर परमात्मा दा निवास हो जांदा है। सो हे भाई, उस गुरु नूं मैं सदा सिर निवांदा रहंदा हां, सदा उस गुरु तो मैं सदा कुर्बान जांदा हां। मैं उस गुरु दे चरण तो के पींदा हां, ते उस गुरु नू सदा चेते करके मैं आत्मक जीवन हासिल करदा रहंदा हां। इस मां पुत्र ने रात कैमलपुरी रह के कथा कीर्तन दा आनंद माणिया, अते दूसरे दिन वापस अपने पिंड चले गए। इस मां पुत्र ने रात कैमलपुर ही रह के कथा कीर्तन दा आनंद माणिया, अते दूसरे दिन वापस अपने पिंड चले गए। साखी पूरी होई, गज के आखो तन तन सतगुरु भगवान दा साहेब आप जी सदा ही जय। राम कली मल्ला तीजा ना एकंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सहसित मन वधिया वधाया, राग रतन परवार परियां सपद गावण आए, सब दोट गावो हरि गेरा मन जने वसाया, कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आटू सदार हो रनाल, हर नाल रोटू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कारे सब सवार, सब नांगला समरत स्वामी तो मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदार हो रनाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ जिस दे तो पावे, सदा छिपना तेरी नाम मन बतावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द तनेरे, गए नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाए, करसान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब हो जाए, सदा कुरबान की ताकुर विटो जितिया है वड़ियाया, कहे नानक सोनो संतो सब तरो पे यार, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्दे कार सुभागे कार सुभागे सब दवार, कला जिन करतारिया पंच दुटल वात कीते काल कंटक मारे, तुर करम पाया तुझन को ते नाम यार के लागे, कहे नानक तै चुके हो जिसका अन्य दवाजे, अनंत नवड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल मचूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत सागल भय तरते पूरे गुरते जानी,
ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤਨਾ ਨੇ ਗੁਜਰ ਲਾਗੇ ਵਾਗੇ ਅਨਿਆ ਤੁਰੇ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਦੇਵ ਸਰਾ ਤੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਤ ਅਜਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜੜੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜੜੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨ ਜਾਣੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਾਫ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੀਆ ਬਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਚੜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਲਗਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤਾ ਪੂਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬੱਕੇ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਚਾਂਤਾ ਪੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਰਸ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਲ ਯੁਗ ਜੀਵ ਹਾਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਬੋਲਣ ਹਾਰਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਣਾਗਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਹੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾ ਮਨੇਲ ਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੀਰਥ ਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਬੱਟਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉੱਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਦ ਚੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅਮਾਰੀ ਰਾਹੋ, ਅਵਰ ਨ ਸੂਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਏ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਤਿਬਖ ਸਿੰਧ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਨ ਪਾਠੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਬਾਰੀ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਹੀ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚ ਕੰਧ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧਿ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਬਖਣੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਟਾਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਜਣਗੇ, ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਣੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਿਆਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਣੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਵਾਂ ਹੁਕਮਨਾਵੇ ਚੰਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਟਕਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਚੋਂ ਕੜਾਪ ਚਾਹ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਤਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਰਤੇ, ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਇ ਤੋਇ ਤੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਾਟ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਅਨਗ ਵਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਗੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਓਟ ਗਏ ਜੀ ਸੰਤਨ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਓਟ ਗਏ ਜੀ ਸਹਿਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਸੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਗਿਆ, ਇਨ ਗਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਗਿਆ,
तिन जम नेड़े न होए तारे आजान लिया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने सुजन तन किया तिन जम जिने तुझन तन गया तिन जम नेड़े ज्ञान ध्यान के कर में न जाना सार न जाना तेरे सब ते वड़ा सत गुर नानक जिन कर राखी में सारे अभिमान दर्शन पाया जिने तन किया तिन जम नेड़े न आया जिने तुझन तन किया तिन जम नेड़े न गुर पूरा जिन सिमरिया से पै नियाल नानक नाम आराधना कार जियावे रात सतगुर पूरा सेविया दुखां दा होवे नाथ नानक नाम आराधिया कार आवे रात राम रमो वड भागियो जल थल मैयल सोए नानक नाम आराधिया विघन न लागे कोहे नानक नाम आराधिया विघन न लागे कोहे जैत्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूरन पुरख सुजान मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूरन पुरख सुजान राहो प्रेम टगोरी जिन को पाहे तिन रस पियो पारे ताकि कीमत कहन न जाए कुदरत कवन अमारे लाए ले लड़ दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर 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 तुक पायो नानक शरण दुवारे लाए ले लड़ दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर 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 सुख पायो नानक शरण दुवारे बोले सो निहाल अंतर श्री गुरु नानक साहेब आपकी जी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी जी सदाई जय धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी सदाई जय धन धन साहेब संत माता जी आप जी नु कोट कोट नमस्कार
मनसा मेरे राम पुरिया साजी। आसा महला चौथा छंद कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जियो हर अमर I'm gonna say one time.